हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं सूजी के पापड़ की रेसिपी। सूजी के इन पापड़ों को बनाना बेहद आसान है, घर में रखे हुए सामानों से बन जाते हैं और बेहद कम खर्च में बन के तैयार होते हैं। खाने में बेहद ही क्रिस्पी, कुरकुरे और करारे होते हैं और बनाने में आसान होते हैं। तो चलिए इन सूजी के पापड़ों को बनाना देखते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी सूजी। आप कोई सा भी सूजी ले सकते हैं, मोटी वाली हो या बारीक वाली। अभी जिस कटोरी से हमने सूजी नापा है सेम उसी साइज की दूसरी कटोरी ले लेंगे और इसे नाप करके पानी लेंगे। अब जिस बर्तन में हमें पापड़ बनाना है उसमें हम पानी को नाप के डालेंगे। तो यहाँ पे हमें 9 कटोरी पानी नाप के लेना है, क्योंकि सूजी हमारा एक कटोरी है तो पानी हम 9 कटोरी ले रहे हैं। अगर यही कप से नापते, एक कप होता है सूजी तो 9 कप पानी लेते, तो मेजरमेंट का जरूर ध्यान रखिएगा। मेजरमेंट का ध्यान रखते हुए बनाइएगा तो पापड़ बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो यहाँ लीजिए, पूरा टोटल 9 कटोरी पानी हमने नाप लिया है। अब इस बर्तन को हम रख देंगे चूल्हे पे और फ्लेम ऑन कर देंगे। पानी को हमें गर्म होने के लिए रख देना है, तो ढककर रखते हैं जिससे जल्दी से ये गर्म हो जाएगा। थोड़ी देर में देखिए पानी गर्म हो गया है। अब एक हाथ से हम सूजी डालेंगे और दूसरे हाथ से चलाते जाएंगे। इस तरह से सूजी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इसको हम लगातार चलाते जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए पूरी सूजी हमने डाल दी है और बिल्कुल भी एक भी लम्स नहीं पड़ा है। इसे हमें अच्छे से घोल लेना है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये कितना पतला है, पानी अलग और सूजी अलग है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा ना ये गाढ़ा होता जाएगा। सूजी डालने के बाद पानी हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, लेकिन थोड़ी देर में ये फिर से गर्म हो जाएगा और उबाल आने लगेगा। तो अभी ये काफ़ी पतला है, इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इस बैटर को चलाते हुए लगभग 5 मिनट हुआ है और ये देखिए पानी गर्म हो गया है और ये बैटर पहले से ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। हल्के हल्के से इसमें उबाल आने लगे हैं और ऊपर से फेन हो गया है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा फेन ख़त्म हो जाएगा और ये बढ़िया से गाढ़ा हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम कर देंगे अब और इसको पकाएंगे लगातार चलाते हुए, क्योंकि जब एक बार उबाल आ जाता है सूजी गलने लगती है तो नीचे तली में चिपकने लगती है। तो इसको थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे और नीचे तली से स्क्रैच करते हुए चलाएंगे ताकि नीचे तली में चिपके नहीं। बैटर को हमें अच्छे से पकाना होगा। जब ये अच्छे से पकेगा तो काफ़ी गाढ़ा भी हो जाएगा और जब पापड़ बनाएंगे तो बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो यहाँ लीजिए इसको पकते हुए 10 मिनट के करीब हो गया है और ये पहले से देखिए कितना ज़्यादा थिक हो गया है और अच्छे से उबल रहा है। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। शुरुआत में फ्लेम हाई रखेंगे ताकि उबाल जल्दी आए, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है तो 5 मिनट तक इसको चलिए हम और पका लेते हैं ताकि बिल्कुल भी इसमें कच्चापन ना रहे। अगर बैटर कच्चा रहेगा तो पापड़ फटने का डर रहेगा और अच्छे से पका रहेगा तो पापड़ अच्छे से बनेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है क्योंकि इसको पकते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं और उतार के अब नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए। चलिए अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं जिससे ये बहुत चटपटा बनेगा। तो एक चम्मच यहाँ पर हम डाल रहे हैं साबुत जीरा, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच नमक। पापड़ में नमक हमें थोड़ा सा कम ही डालना चाहिए और 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ सूजी का ये पापड़ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें ठंडा कर लेना है। और ये बैटर देखिए हमारा बिल्कुल सफ़ेद है। अगर हमने मसाले पहले ही डाल दिए होते तो बैटर सफ़ेद ना रहता, बल्कि जीरे का इसमें हल्का सा पीलापन कलर आ जाता। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको हल्के पीले वाले पापड़ चाहिए या सफ़ेद वाले। अगर पीले पापड़ चाहिए तो मसाले साथ में डाल करके पकाइएगा, ये बैटर हल्का सा पीला हो जाएगा। और सफ़ेद पापड़ चाहिए तो लास्ट में डालिएगा, तो इस तरह से सफ़ेद बैटर रहेगा। अब इन्हें हमें ठंडा कर लेना है, फिर इनके पापड़ हम बनाएंगे। तो बैटर को हम लेकर के आ गए हैं छत पे और लगभग 10 मिनट बीत गया है। ये अब हल्के से गुनगुने रह गए हैं, ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा भाप नहीं निकल रही है। तो इनके पापड़ बना लेते हैं। पापड़ बनाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक शीट बिछा ली है, इसके ऊपर आधा आधा कलछी हम बैटर डालेंगे और फैला देंगे। तो अभी गर्म है, बहुत ही आसानी से ये देखिए खुद ही फैल रहे हैं। बस इनको हमें हल्का सा शेप देना है, बहुत मोटा मोटा नहीं बनाना है, इसलिए थोड़ा सा फैला के बड़ा कर देंगे। ये देखिए बैटर हमारा पहले से कितना गाढ़ा हो गया है और कलर अभी भी इसका सफ़ेद ही है। बस इनको हमें डालते जाना है, फैलाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरह से ये ठंडा हो गया है, फिर भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है, आसानी से अभी भी फैल रहा है। तो कलछी से घुमाते हुए इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे। बहुत मोटा पापड़ डालेंगे तो सूखने में टाइम लगेगा और पतले पापड़ बनाएंगे तो ये फ्राई करने में अच्छे से फूलेंगे।
तो इसी तरीके से चलिए सारे पापड़ों को बना लेते हैं। यहाँ लीजिए, सभी पापड़ों को हमने बना लिया है। सेम साइज के ये पापड़ देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इन पापड़ों को हमें तेज धूप में सुखाना होगा। तेज धूप में सुखाएंगे तो पापड़ में क्रैक नहीं पड़ेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब इस तरह से बैटर वाले पापड़ बनाएं तो इन्हें तेज धूप में सुखाइएगा। जिस दिन धूप अच्छी होगी उसी दिन इस पापड़ को बनाइएगा, फिर बिल्कुल भी फटने का डर नहीं रहेगा। तो इन्हें छोड़ देते हैं दिन भर के लिए धूप में और शाम को मिलते हैं। तो यहाँ लीजिए, शाम हो गई है और पापड़ हमारे हल्के से सूख चले हैं, पूरी तरह से नहीं सूखे हैं। इनको लगभग 5 से 6 घंटे की धूप लगी है। बनाने में ही लगभग 12 बज गया था और शाम के 6 बज रहे हैं, तो पापड़ पूरी तरह से नहीं सूख पाए हैं। किनारों से सूख गए हैं लेकिन बीच में अभी भी गीले हैं। तो इन्हें हम डाल देंगे पंखे की हवा में रात भर के लिए। और अगली सुबह से ये देखिए, पापड़ हमारे सूख गए हैं और अभी भी ये चिपके हुए हैं, तो इनको हम छुड़ा करके पलट देंगे। ये देखिए, बहुत आसानी से पलट जा रहे हैं, बिल्कुल भी इनमें क्रैक नहीं आए हैं। सभी पापड़ों को छुड़ाने के बाद हम धूप में फैला देंगे ताकि फिर से अगले दिन की धूप लग जाए और ये अच्छे से सूख जाए और स्टोर करने लायक हो जाए। तो यहाँ लीजिए, दूसरे दिन भी पापड़ों को हमने धूप में फैला दिया है और इन्हें अब पूरी दिन भर की धूप लगने देंगे। दिन भर धूप लगेगा तो ये पापड़ अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि ये सूख चले हैं, बस हल्की सी नमी रह गई है। और अगर पापड़ों को स्टोर करना है तो इन्हें अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें थोड़ी भी नमी रहेगी और इनको हम स्टोर कर देंगे तो फिर फंगस लगने का डर रहेगा। तो चलिए, इन्हें छोड़ देते हैं धूप में ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। और यहाँ लीजिए, 2 दिन की धूप लगने के बाद पापड़ हमारे अच्छे से सूख गए हैं। अब इन्हें हम इकट्ठा कर लेंगे। तो पापड़ों की आवाज़ से आपको पता चल रहा है ना कि ये कितने अच्छे से सूख गए हैं। अब ये पापड़ स्टोर करने लायक हो गए हैं। इन्हें हम अगर स्टोर कर देंगे तो 1 से 2 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस बारिश का मौसम बीतने के बाद इन्हें धूप दिखाना फिर ज़रूरी रहेगा, क्योंकि बारिश के मौसम में फंगस वगैरह लगने का डर रहता है। और 4 से 6 महीने के बाद एक बार धूप दिखा देंगे तो फिर ये पापड़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और सालों साल चलेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ 1 कटोरी सूजी से पापड़ बनाया था और ये देखिए, 50 से भी ज़्यादा पापड़ बन के तैयार हुए हैं और कहीं से भी ना टूटे हैं ना फटे हैं, एक भी क्रैक नहीं पड़ा है। सारे पापड़ देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हुए हैं और इनका कलर भी देखिए कितना प्यारा आया है। इन्हें बनाने में बेहद कम खर्च लगा है, सिर्फ 1 कटोरी सूजी से ढेर सारे पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। पापड़ की ये रेसिपी जरा सा भी आपको पसंद आए तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका 1 लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ 1 लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे ये पापड़ देखिए कितने हल्के और ट्रांसपेरेंट बने हैं। चलिए इनको फ्राई करके देख लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे धुआं निकलने तक। उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इन पापड़ों को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कैसे सफ़ेद सफ़ेद हमारे पापड़ फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही ऑयल में ये जाते हैं इनकी साइज बड़ी हो जाती है और बिल्कुल फूले फूले पापड़ बनके तैयार होते हैं। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म था और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। बहुत ही बढ़िया से पापड़ फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए पापड़ की साइज कैसे बड़ी हो जा रही है और बेहद क्रिस्पी, कुरकुरे और करारे ये पापड़ बनते हैं। और जो इनमें हमने मसाले डाले हैं ना, उसकी वजह से बेहद टेस्टी बनके तैयार होते हैं। ये देखिए, हल्का सा हमने पापड़ को प्रेस किया और पापड़ हमारा फ्राई हो गया। पास से देख लीजिए, इसमें छोटे छोटे से बबल्स भी नजर आ रहे हैं। बेहद क्रिस्पी, कुरकुरे, करारे, टेस्टी और मजेदार ये पापड़ होते हैं। तो लीजिए, सारे पापड़ हमने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं और फ्राई करने के बाद पापड़ों की साइज देखिए, फ्राई करने के बाद कितनी बड़ी है और फ्राई करने से पहले कितनी बड़ी थी, और कलर भी देखिए कितना चेंज हो गया है। चलिए इन्हें तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए, हल्का सा हाथ लगाते ही ये बिल्कुल टूट जा रहे हैं और मैश हो जा रहे हैं। तो आवाज़ से पता चल रहा है ना कितने क्रिस्पी और करारे बने हैं। तो अगर आप भी पापड़ बनाने की सोच रहे हैं तो एक बार सूजी के पापड़ इस तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।